अमेठी पुलिस ने एक ऐसा काम किया है कि ना सिर्फ उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है बल्कि उसके काम की सराहना भी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक्शन में अमेठी पुलिस, पुलिस बनी अपराधियों के लिए काल, 12 घंटे में अपहरणकर्ता पुलिस के गिरफ्त में। अमेठी के इस परिवार के लिए पुलिस वाले किसी देवदूत से कम नहीं, और क्यों नहीं, आखिर इन्होंने काम ही ऐसा किया है। जरा सोचिए, 12 घंटे के भीतर पुलिस ने ग्रामीण बैंक के एक मैनेजर के बेटे को न सिर्फ सकुशल बरामद किया बल्कि मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया। मामला अमेठी के मोहनगंज थाने के राजा फतेहपुर के पास का है, जहां दखिनवारा में ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक शिव कुमार लाल निगम के बेटे गौरव लाल औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में UPSIDS कॉलोनी से बाइक से निजी काम से निकले थे। तभी राजा फतेहपुर के निकट गंदा नाला पुल पर पहुंचते ही बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और फिर फोन पर पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसके बाद पिता घबरा गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सर्विलांस के जरिए अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने में जुट गई। सर, आज सुबह जब हम अपनी शाखा पर पहुंचे तो हमको एक फोन आया कि आपके बेटे का सुबह 10:30 बजे अपहरण हो गया है। उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या कहते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो संयोग से 112 नंबर पर हमने कॉल किया और वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन सूचीबद्ध की गई और तत्पश्चात थाना कमरौली, थाना मोहनगंज, थाना शिवरतनगंज और थाना जामो आदि थाना अध्यक्षों से हमारा संपर्क हुआ और सभी लोगों ने FIR दर्ज किया। 12 घंटे के अंदर ही अमेठी पुलिस ने SOG टीम के साथ मिलकर संग्रामपुर थाना क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं को घेर लिया। इस दौरान बैंक मैनेजर के बेटे को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़वाया गया, साथ ही मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गौरव कुमार निगम जो कि कमरौली के निवासी थे, आज सवेरे उतेलवा से अपने साथी के शिवम के साथ जा रहे थे। राजा फतेहपुर में उनकी साड़ी की दुकान है, उनको राजा फतेहपुर से 1 किलोमीटर पूर्व एक टाटा निक्सन नीले रंग की गाड़ी के साथ से कुछ 4 अभियुक्तों ने अपहरण कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपहृत के टेलीफोन से ही अपहृत के पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीमें गठित करके सक्रिय की गई। SOG टीम, सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की टीम, मोहनगंज की टीम, मुसाफिर खाना की टीम, अमेठी थाने की टीम, सभी टीमों को एक साथ हमारे पुलिस अधीक्षक के अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सक्रिय किया गया। मैं स्वयं भी सक्रिय रहा। बहरहाल अमेठी पुलिस के इस ऑपरेशन की हर तरफ चर्चा है और उसके हौसले बुलंद, जबकि अमेठी में अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। AVP गंगा के लिए अमेठी से नीरज की रिपोर्ट।